नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। अधिकारियों को जल भराव की स्थिति में काबू करने के दिए निर्देश। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य में बरसाती नालों की सफाई की जाए ताकि किसी भी प्रकार के जल भराव न हो और न ही लोगों को असुविधा हो। डॉक्टर बनवारी लाल बुधवार को चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बरसात के मौसम से पहले सभी प्रकार के मोटर पंपों को ठीक करवाया जाए और जनरेटर इत्यादि की व्यवस्था की जाए ताकि जल भराव की स्थिति में काबू करने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में टूटी लगाने का अभियान सक्षम युवाओं के माध्यम से किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत अवैध पानी के कनेक्शनों को नियमित किया जा रहा है और जहां कहीं पर भी टूटी नहीं है वहां पर टूटी लगाई जा रही है ताकि पानी की बर्बादी न हो। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने घरों में वैध कनेक्शन का कनेक्शन लें और सभी पाइपों और नलों की टूटी लगवाएं, क्योंकि गर्मी के मौसम के दौरान पानी की मांग बढ़ जाती है, इसलिए विभाग को कभी कभार पानी की राशनिंग करनी पड़ती है। वैसे पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन लोग पानी की बर्बादी करते हैं, जैसे टूटी को खुला छोड़ देते हैं, गाड़ियों या पशुओं को आदि को नहलाना धुलाना और इत्यादि के कारण मौसम के दौरान पानी की बर्बादी हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे पानी का दुरुपयोग न करें और अपने घरों में टूटी अवश्य लगवाएं ताकि पानी बर्बाद न हो। आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। जैसे खुली टूटी छोड़ देना, कार वगैरह धोना, पशुओं को नहलाना, ये सब वेस्टेज है, तो इसके लिए हमने लोगों से अपील की है कि पानी को बचाया जाए अपने आने वाली जनरेशन के लिए। और इसके लिए हमने हर गांव में जो टूटी बगैर टूटी के नलों पे टूटी लगाने का जो अभियान शुरू किया है सक्षम युवाओं के साथ, और जो इलीगल कनेक्शन है उनको रेगुलराइज कर रहे हैं और जहां भी लीकेज वगैरह उसको ठीक किया जा रहा है ताकि पानी को बचाया जा सके। और बरसात का जो मौसम आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश हमने दिए हुए हैं कि जो भी हमारे नाले वगैरह उनको पूरी तरह साफ किया जाए ताकि बरसात के टाइम में कोई वाटर लॉगिंग ना हो और जन असुविधा ना हो। तो उसके लिए सभी नाले वगैरह साफ कराए जा रहे हैं और मोटर पंप वगैरह सबको ठीक करके दुरुस्त करके जनरेटर वगैरह की सुविधा करें ताकि आगे कहीं भी दिक्कत आए तो उसको तुरंत निकाला जा सके।